हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और आप लोग जानते हो कि 9 बजे हमारी जो क्लास होती है वो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मैकेनिकल की, है ना। मैं बात कर रहा हूँ अभी टेक्निकल सब्जेक्ट की। तो टेक्निकल की हमारी क्या होती है, ये जो क्लास होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमारा पावर प्लांट चल रहा है, और पावर प्लांट में हमारा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया 2 लेक्चर में, उसके बेसिस पे मैंने आपको कल क्वेश्चन करा दिए। तो मतलब अभी हमारे पास नए क्वेश्चंस करने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी हमने वो थ्योरी पार्ट कवर नहीं किया है, ठीक है। तो जब हम थ्योरी कवर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो फिलहाल आज का हमारा क्वेश्चंस नहीं होगा सेशन, आज ही जो सेशन मैंने लिया है, ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे भी क्या चलेगी, थ्योरी चलेगी। और मैं जो लूंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बॉयलर की, किसकी बात कर रहा हूँ, बॉयलर की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा आपको, बेहद ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो कि एसएससी जेई ने जो लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें बॉयलर से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए मेरा जो आज का पूरा दिन का जो सेशन रहेगा, ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ 9 बजे, तो 1 घंटे का सेशन मैं यहाँ पे लूँगा बॉयलर का। फिर शाम को एक सेशन और लूँगा 4 बजे वाला। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आज के दिन में ये पूरी की पूरी बॉयलर को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है हम लोग इसको जनरली नहीं पढ़ते हैं, और ज़्यादातर क्या होता है, ये थ्योरी रहती है, ज़्यादातर क्या रहती है, थ्योरी रहती है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, और जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमको क्या करना है, हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जरूर देखना है। और मैं जैसे ही आपका पावर प्लांट ख़त्म होता है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको जो मैंने खुद क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है पूरी थर्मल इंजीनियरिंग से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी 20-25 क्वेश्चन हैं, हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बॉयलर रहेगा। और आप लोग जानते हो कि आपको जो PDF वगैरह है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको एजू फॉर टेक इस नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगों के साथ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके पास हर सेशन की, चाहे वो टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं, चाहे आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर हो रहा है, उसमें सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आप मुझसे चाहते हो कि फेसबुक पर भी जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हो। तो आप अगर नाम डालते हो भी, ये वाला नाम आप डालते हो, तो आपको बहुत ही इजीली इस फोटो के साथ मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भी किसका है, बॉयलर का है। तो बॉयलर का पास मेरे पास जितना भी डाटा, मैंने लगभग यहाँ पे कह सकता हूँ कि लगभग 100 स्लाइड के आसपास हमारे पास पूरा बॉयलर यहाँ पे कवर होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को स्लाइड मिली जहाँ से भी, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं से चीज़ें उठाई हैं, लेकिन क्या है कि मैंने एक सारी स्लाइड जो इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, सबको एक कॉम्बाइन करके आपको पूरी एक PDF बना के दे दी है, कि हाँ इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलने वाला। अगर आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद हम कल क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी बॉयलर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि मुझे पता है, एक्चुअली मुझे पता है इस बॉयलर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, हम लोग बॉयलर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख गए थे, क्योंकि नॉर्मली अब तक SSC क्या कर रहा था, बॉयलर से जनरली ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन SSC ने लास्ट टाइम पे बॉयलर से बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा, मतलब पावर प्लांट तो आप समझ लो कि लास्ट ईयर जो SSC का था वो बिल्कुल फेवरेट था, उसने बहुत क्वेश्चन पूछे। तो बॉयलर की बात करते हैं, तो बॉयलर होता क्या है भाई, बॉयलर होता क्या है, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ क्या हो रही है, बॉयल हो रही है, कोई चीज़ क्या हो रही है, बॉयल हो रही है। आप क्या करते हो, एग को बॉयल करते हो, आप क्या करते हो, पानी को बॉयल करते हो, तो क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आप लोग जानते हो कि जब पावर प्लांट की बात करते हैं, तो पावर प्लांट की बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, जो वाटर, मतलब बेसिकली बात किसी कर रहा हूँ, जो हमारे पास क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारे पास क्या होती है भी, वाटर को आपको स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, ताकि वो जो स्टीम है वो क्या करे, एक्सपेंड हो किस पर, टर्बाइन पे, ताकि आपकी टर्बाइन क्या करे, रोटेट करे, और आपको क्या मिले, वर्क आउटपुट मिले, या इलेक्ट्रिसिटी आपको मिले, क्लियर है। तो हमें क्या है भी, बॉयलर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कि एक तरीके से क्या है, बर्तन है भाई। आप अगर घर पे क्या करते हो, घर पे भी आप अगर पानी को गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो स्टीम बनके उड़ने लग जाती है, ऐसे तो होता है। तो स्टीम बनके उड़ रही है, तो आपने एक बर्तन लिया ना, तो बॉयलर भी क्या है भी, एक तरीके से वेसल है, वो बर्तन है, जहाँ पे क्या हो रहा है, जो हॉट वाटर है, या जो हमारे पास स्टीम है, वो कसमें वो कन्वर्ट हो रही है किसके द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल, कि एक ऐसा वेसल, बॉयलर क्या है, हमारे पास एक ऐसा वेसल है
जो क्या करता है, जो वाटर है उसको गर्म करता है ताकि वो हॉट वाटर या स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, हॉट वाटर या स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपको पता है बेसिकली हम क्या करते हैं, भी स्टीम की बात करते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने साइकिल पढ़ी थी रैंकाइन साइकिल, आपने साइकिल पढ़ी थी रैंकाइन साइकिल, तो बॉयलर क्या चला था वहाँ पे, बॉयलर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी थी। ठीक है, आपको याद होगा रैंकाइन साइकिल, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग टीएस प्लॉट बनाते थे, इस तरीके से टीएस प्लॉट बनाते थे भाई। अगर स्टीम है तो स्टीम है मतलब वेपर है, तो इसमें क्या होता था, डॉम एग्जिट करता था, तो डॉम होता था, और ये आपको क्या दिख रहा है भी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या होती थी, ये साइकिल हुआ करती थी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या हुआ करती थी भाई, साइकिल हुआ करती थी, यहाँ पे आपके पास पंप वर्क हुआ करता था इस तरीके से, और यहाँ पे तो ये जो आपको एसेसरी दिखाई दे रही है भी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 से 1, 2, 3, तो 1 से लेके 3 तक क्या है आपके पास, ये बॉयलर है। क्या है बॉयलर, क्या है 1 से 3 तक है, मतलब यहाँ पे क्या होता था, हीट का एडिशन होता था। तो ये आप तो रैंकाइन में आप लोग जानते हो। उसके बाद क्या लिखा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वाटर का, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वाटर है वो वॉल्यूम कितना राइज कर जाता है, वो 1600 गुना राइज कर जाता है। मतलब वॉल्यूम कितना राइज कर जाता है भी आपके पास उस वाटर का, वो 1600 टाइम इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो ना। वाटर का जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसका देख रहे हो कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा क्या हो गया अभी, इंक्रीज कर गया लगभग 1600 गुना इंक्रीज कर गया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हॉट वाटर या स्टीम जो यूज़ हो रही है किस लिए हो रही है आपके पास, वो हीट को ट्रांसफर कर रही है, क्या कर रही है, हीट को ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो सके, वो प्रोसेस परफॉर्म हो सके। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल बॉयलर की बात है। तो आप अगर डायग्राम में देखना चाहो तो आपको ये बॉयलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये बॉयलर दिखाई दे रहा है, ये देखो एसेसरी लगी है जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है, बॉयलर लगा रही है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, बॉयलर्स हैं, इसमें ड्रम भी होता है, इकोनोमाइजर भी होता है। ठीक है, बाकी हम लोग पूरा देखेंगे कि क्या होता है। तो ये देख सकते हो कि बॉयलर यूनिट यह लगी हुई है, तो बॉयलर यूनिट के बाद, ठीक है, बॉयलर यूनिट के बाद क्या है भी आपके पास, देखो टर्बाइन लगी हुई है, टर्बाइन लगी हुई है, फिर क्या लगता है भी यहाँ पे कंडेंसर लगता है, जो क्या करता है टर्बाइन को, जो ये स्टीम है वो क्या होती है, कंडेंस होती है, तो कंडेंस होने के लिए क्या होती है, गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। जिसके बाद क्या होता है, आपके पास नॉर्मल एक पंप लगा होता है, तो पंप क्या करता है भी आपका जो प्रेशर है उस वाटर का फिर से राइज करता है ताकि वो बॉयलर तक पहुँच सके। तो ये हमारे पास क्या होती है साइकिल, हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल देखी थी, तो ये वही साइकिल आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जगह क्या लगा होता है, आपका बॉयलर माउंट होता है, इस पोजिशन पर आपका क्या होता है भी बॉयलर माउंट होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ो तो देख सकते हो कि हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भी हमारे पास बॉयलर है, यही तो हमारे पास क्या है, बॉयलर है। हमने यहाँ चिमनी बना रखी है ताकि क्या हो रहा है, जो कोयला वगैरह आता है, ताकि आपके पास क्या हो, कोयला क्या है भी एक तरीके से मोड है जिससे हम क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। आप कोयले को बर्न करते हो ना, तो कोयले को बर्न करने से क्या होता है, ये जो पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है जिसके थ्रू क्या हो रहा है भी, जिसमें से क्या हो रहा है आपके पास, हो सकता है कि इसके अंदर से वाटर ट्रेवल कर रहा हो सकता है, इसके अंदर से क्या हो, ये वाटर पास हो रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, बॉयलर यूनिट है, और फिर क्या है भी यहाँ पे हमारे पास ये टर्बाइन है, टर्बाइन के बाद आप जानते हो भी यहाँ से आप टर्बाइन से जनरेटर कनेक्ट कर दो ताकि आपके पास क्या सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, और जो कंडेंस होती है स्टीम वो किसमें आती है, कंडेंसर में आती है। उसके बाद क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है आपके पास, ये रिवर वगैरह है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आप पंप लगाते हो और इस तरीके से आपकी साइकिल बिल्कुल रन करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो इस जगह बॉयलर लगा हुआ है, तो पहले बेसिकली आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक सा एक सिंपल बॉयलर है, क्या है भी सिंपल एक बॉयलर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इसके आसपास में क्या है, वाटर अवेलेबल है, और यहाँ आपने क्या रख रखा है, कोयला, ये कोयला आपका बर्न हो रहा है, कोयला बर्न हो रहा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहे हैं, तो इस पाइप के अंदर क्या हो रखा है, ये जो बर्निंग हो रही है, जो ये एयर है वो क्या हो रही है, एयर कह रहा हूँ, फायर, जो ये फायर है वो क्या हो रही है, इन पाइप के थ्रू जा रही है। और देखो आसपास का ये जो वाटर है वो क्या हो रहा है आपके पास, ये वाटर क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं भी फाइनली इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो धुआं है वो क्या होगा, इस तरीके से चिमनी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये स्टीम पाइप आपको दिखाई दे रहा है, स्टीम पाइप से क्या करोगे आप, स्टीम को कलेक्ट कर लेते हो, और ये क्या है, सेफ्टी वॉल्व है, तो पूरा देखेंगे। तो ये आपके पास क्या है, बेसिक सा बहुत ही सिंपल सा बॉयलर है, बहुत ही सिंपल सा क्या है, बॉयलर है। अब देखो बॉयलर क्या है हमारे पास, जो एक ऐसा एपरेटस है, एक ऐसा एपरेटस है जो क्या है भी स्टीम को प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा एपरेटस है जो स्टीम को प्रोड्यूस करता है। तो थर्मल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी रिलीज होती है किसकी वजह से, आप क्या करते हो, फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल को क्या करते हो, बर्न करते हो, या कंबशन होता है फ्यूल का, तो वहां से क्या होती है, थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से क्या होता है आपके पास जो स्टीम है, जिस टेम्परेचर पर आपको चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है।
तो क्या होती है यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से होती है, ठीक है। तो जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, जो ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, आप इसको यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर जनरेटिंग पावर इन स्टीम इंजन और स्टीम टर्बाइन। स्टीम इंजन और स्टीम टर्बाइन में क्या है, पावर जनरेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। सेकेंड क्या है यहाँ पे, हीटिंग द रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हीटिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीम। उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड यहाँ पे लिखा है, परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसेसेस इन द शुगर मिल्स, केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मतलब क्या है कि बेसिकली जो हमारा अभी जो काम का रहना है, जो हमारा अभी काम का जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले पे फोकस रहे, क्योंकि हमारे पास क्या है, पावर प्लांट यूनिट पड़ रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस फर्स्ट पॉइंट पे रहने वाला है। उसके बाद देखो कि सिलेक्शन ऑफ बॉयलर, हमें अगर कोई बॉयलर को सिलेक्शन करना है, कोई बहुत सारे आप जानते हो कि बहुत सारे क्या होते हैं बॉयलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो हमें कौन से टाइप का बॉयलर चूज करना है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो पहला क्या है कि वर्किंग प्रेशर क्या है और किस की, मतलब स्टीम की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात है। किसकी बात हो रही है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात हो रही है, मतलब आपको कितनी ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए उस स्टीम की। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा क्या है, स्टीम जनरेशन, कि किस तरीके से क्या हो रही है आपके पास स्टीम जनरेट हो रही है। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो फ्लोर एरिया अवेलेबल है, मतलब जहाँ पे आप बॉयलर की जो कह सकता हूँ जो बॉयलर सेटअप करने वाले हो, वहाँ पे स्पेस कितना अवेलेबल है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एसेसिबिलिटी फॉर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, मतलब आप इजिली क्या कर सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो ये भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना है। फिर आप देख सकते हो भी, आपको ऑब्वियसली पता है कि हम जो पोस्ट चाहते हैं, कॉस्ट हम चाहते हैं कि कम से कम रहे, तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास बाकी बॉयलर से जो हम चूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप देख सकते हो कि फ्यूल और वाटर कितना अवेलेबल है। तो आप देखते हो बेसिकली जो बॉयलर जो माउंट होती है या फिर जो इंडस्ट्रीज लगती है, वो कहाँ पे लगती है, वो लगती है नियर पॉन्ड या रिवर। तो रिवर या पॉन्ड के आसपास लगती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, वहाँ पे वाटर इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जो आपका प्लांट लगता है वो कहाँ लगता है, नियर रिवर की साइड लगता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, आपको कंसिडर करनी पड़ती है। तो ये क्या है भी, हमारे पास पूरा का पूरा सिलेक्शन है बॉयलर का, जो इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप देख सकते हो बॉयलर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बॉयलर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखो मैं आपको बिल्कुल सारा का सारा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं ये मानूंगा कि आप बॉयलर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर पढ़िए, एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप पूरी लाइफ टाइम के लिए इसको याद रख पाएं, ठीक है। तो बॉयलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेफ्टी पर्पज होनी चाहिए। तो सेफ्टी मतलब क्या है कि जो बॉयलर होगा वो हमेशा ऐसी कंडीशंस पे वर्क करेगा, ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशंस होंगी जो क्या होंगी, उसके लिए हमेशा सेफ होनी चाहिए भाई। बहुत ज़्यादा सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉयलर्स में क्या होती है, कुछ सेफ्टी डिवाइस भी यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, एसेसिबिलिटी मतलब अप्रोच, है ना। मतलब क्या है कि जो बॉयलर के क्या होते हैं भी, वेरियस पार्ट होते हैं, आप लोग जानते हो बॉयलर की बहुत सारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो जो वेरियस पार्ट्स हैं बॉयलर के, वो क्या होने चाहिए, आसानी से एसेसिबल होने चाहिए, मतलब आप वहाँ पे आसानी से रीच कर सको, ताकि उनको आप रिपेयर कर सको और मेंटेन कर सको, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर क्या कर सकते हो, आप इजिली कर सकते हो, तो ये भी एसेसिबिलिटी भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हो सी, सी क्या लिखा है यहाँ पे, कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात हो रही है, मतलब क्या है कि हमारे पास जो बॉयलर है, वो बॉयलर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस स्टीम को प्रोड्यूस कर सके या सप्लाई कर सके जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करती हो। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी। तो आप लोग जानते हो कि एफिशिएंसी तो जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतना ज़्यादा बढ़िया है, जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतना बेहतर है आपके पास एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी की बात करी जा रही है यहाँ पे, शुड बी एबल टू अब्सॉर्ब अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस। मतलब क्या है कि आपके पास जो बॉयलर आप यूज़ कर रहे हो, वो इतना कैपेबल होना चाहिए, कि ताकि वो जो आप उसको हीट की सप्लाई कर रहे हो, जो आप कोयला जला रहे हो या फिर उसको फ्यूल सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या करे, उस बर्निंग जो हीट हो रही है वहाँ से
हीट को एब्जॉर्ब करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करे, ताकि एफिशिएंसी क्या हो सके, बेहतर हो सके। उसके बाद आप देखो भी हर कोई चाहता है कि जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो हमेशा सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा उतना क्या है उसको डील करना क्या है उतना ही इजी होता है, आसान होता है। उसके बाद क्या है इनिशियल कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हर जगह मैटर करती है, तो इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट हम हमेशा क्या चाहते हैं, हमेशा चाहेंगे कि वो क्या रहे, कम से कम रहे, लो रहे। उसके बाद देख सकते हो इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग एंड लोडिंग, और वो मतलब जल्दी से स्टार्ट हो सके और लोडिंग को झेल सके। तो ये हमारे पास क्या है कुछ प्रॉपर्टीज हैं बॉयलर की। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो बॉयलर का प्रिंसिपल क्या है, किस ऑपरेशन पे काम करता है। तो जैसे आप लोग जानते कि बॉयलर क्या है भी एक बहुत ही जरूरी इसेंशियली क्या है क्लोज वेसल होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है वाटर को आप स्टोर करते हो, इसके अंदर क्या करते हो वाटर को स्टोर करते हो। फ्यूल क्या होता है यहाँ पे, जनरली आप कोयले को क्या करते हो बर्न करते हो इन द फर्नेस, और हॉट गैसेस क्या होती हैं आपके पास प्रोड्यूस होती है। तो हॉट गैसेस क्या है आपके पास, वही है वेपर है, वेपर आप बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल देते हो स्टीम बोल देते, ठीक है। तो ये जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उस फ्यूल के बर्निंग की वजह से वो क्या होंगी आपके पास कॉन्टेक्ट में आएंगी, ठीक है। तो हॉट गैसेस सॉरी यहाँ पे जो हॉट गैसेस है वो कुछ नहीं बोला गया है, जो कोयला जो बर्न हुआ है उसकी वजह से जो गैसेस आ रही हैं उसको उन्होंने क्या बोला है हॉट गैसेस बोला है। तो यहाँ पे वेपर से कोई मतलब नहीं है अभी। तो अब ये जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं ये क्या होंगी वाटर के कांटेक्ट में आएंगी, जो उस वेसल में रखा है। तो जब इस कांटेक्ट में वाटर के कांटेक्ट में आएंगी तो आपको पता है हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, जो हाई गैसेज हैं या फिर हॉट टेम्परेचर पर गैसेज हैं ये वाटर में करेंगी, इसको हीट करेंगी जो इसके कांटेक्ट में आएगा, और अपनी हीट इसको दे देंगी और वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। और जब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही क्या होगा उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेयर द हीट ऑफ दीज हॉट गैसेज ट्रांसफर्स टू द वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टीम इज प्रोड्यूस इन द बॉयलर, और क्या होगी भी स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो स्टीम है फिर आप क्या करोगे इसको पाइप के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशन, ताकि आप पाइपिंग वगैरह लगा सकते हो, तो कहाँ पर पहुँचाओगे आप टर्बाइन में पहुँचाओगे थर्मल पावर प्लांट में, और क्या होगी ये टर्बाइन पर जैसे ही गिरेगी तो क्या होगा टर्बाइन को रोटेट करेगी, क्योंकि स्टीम क्या होगी एक्सपेंड होगी, और बाद में क्या हो जाएगी जैसे टर्बाइन पे निकलती है वहाँ से तो फिर क्या होती है कंडेंस हो जाती है, वापस हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट क्या है भी, एक तो पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टीम क्या करें जनरेट करें। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपके पास जो बॉयलर है ये जो बॉयलर है वो क्या करे भी आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम को जनरेट करे, तभी आपके पास एफिशिएंसी अच्छी होगी। उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए लाइट वेट होना चाहिए और लार्ज स्पेस को एक्यूपाई ना करें, ठीक है, मतलब क्या है कि अपना सिंपल ज़्यादा स्पेस भी ना। उसके बाद क्या है प्रॉपर सेफ्टी रेगुलेशन होनी बहुत जरूरी है, चीपर होना जरूरी है, आसानी से कोप अप कर सके जो भी क्या है डिमांड्स की फ्लक्चुएशन हो रही है, जो भी डिमांड्स की फ्लक्चुएशन है कभी ज़्यादा कभी कम, तो बहुत आसानी से उसको कोप अप कर सके, और ये तो आप जानते हो कि उसको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो ये आप लोग देख सकते हो। अब देखो हम कौन कौन से फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, हम कौन कौन से फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास क्या है सोर्स ऑफ हीट है, किसके लिए बॉयलर यूनिट के लिए। तो बॉयलर यूनिट के लिए सोर्स ऑफ हीट कौन कौन से हो सकते हैं, आप वुड को जला सकते हो, कोयला को जला सकते हो, डीजल को जला सकते हो, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखते हो आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, ठीक है, और क्या होता है थर्मल पावर प्लांट में तो क्या होता है ज़्यादातर कोयला ही जलता है, ठीक है, वुड तो हम लोग ज़्यादा नहीं जलाते हैं तो कोयला ही ज़्यादा यूज़ होता है। अब देख सकते हो आपके पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है भी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर कौन कौन से हो सकते हैं उसकी पूरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो हमें इन सब के बारे में यहाँ पे जानना है। तो देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास जो बॉयलर है वो हो सकता है भी हॉरिजॉन्टल टाइप हो सकता है, मतलब ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन पोजिशन है, बेस्ड ऑन पोजिशन। तो पोजिशन क्या है भी हमारे पास, किस तरीके से आपका बॉयलर क्या है पोजिशनड है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल पोजिशन में हो सकता है, वर्टिकल पोजीशन हो सकता है, या इंक्लाइन पोजीशन में हो सकता है। फिर क्या है भी फायर ट्यूब या वाटर, मतलब ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है कि जो ट्यूब है बेस्ड ऑन ट्यूब इनसाइड विच वाटर और फायर, फायर का कहने का मतलब यहाँ पे हॉट गैसेस है, फायर क्या हो रही है भी रन कर रही है, मतलब क्या है ट्यूब का कहने का मतलब क्या होती है, जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं बॉयलर की उसके अंदर चाहे फायर रन कर रही हो, मतलब फायर क्या कर रही हो ट्रैवल कर रही हो, या हो सकता है वाटर ट्रैवल कर रही हो, तो उसके बेसिस पे आपके पास क्या है ये डिवीजन है। फिर आप देख सकते हो कि आप बॉयलर की जो सप्लाई है, जो फायर की सप्लाई है, आप उसको बाहर से सप्लाई कर रहे हो,
या हो सकता है बॉयलर यूनिट के अंदर ही रहकर उसको सप्लाई कर रहे हो, तो एक्सटर्नली फायर्ड, और आप कह सकते हो उसको इंटरनली फायर्ड, तो ये भी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सर्कुलेशन की बात है, हो सकता है वो सर्कुलेशन कैसा हो, फोर्स सर्कुलेशन हो, या हो सकता है वो इंटरनली फायर्ड हो सकता है वो फोर्स सर्कुलेशन हो या हो सकता है वो इंटरनली फायर्ड हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर भी हमारे पास जो होते हैं बॉयलर्स होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन भी होता है, तो फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन भी, ये भी हमारे लिए है। फिर स्टेशनरी और पोर्टेबल होते हैं, मतलब स्टेशनरी क्या है जो रुके हुए हैं, पोर्टेबल मतलब क्या है कि आप उसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, मूव करा सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि हो सकता है हमारे पास बॉयलर में क्या है, सिंगल ट्यूब हो सकता है हमारे पास बॉयलर में दो से ज्यादा हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, तो वो किसमें आते हैं, मल्टी ट्यूब बॉयलर्स में आते हैं। तो ये सारी के सारी कह सकता हूँ कि हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसकी, बॉयलर की, जो क्या है हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासीफाई किया है उनके यूज पर, ठीक है, वो किस तरीके से रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू व्हाट फ्लोज इन द ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है आपको पता है, हो सकता है वो वाटर ट्यूब हो या हो सकता है वो फायर ट्यूब हो, क्या हो सकता है भी, या तो वो वाटर ट्यूब हो सकती है या क्या हो सकती है वो फायर ट्यूब हो सकती है। तो अगर सबसे पहले बात करें किसकी, फायर ट्यूब बॉयलर्स की, फायर ट्यूब बॉयलर की बात कर लेते हैं। तो फायर ट्यूब में क्या होता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से क्या है, आप पहले थोड़ा सा देख लो यहाँ पे फिगर को देख लो आप, ये क्या है भी आपके पास ऐश पिट है, तो ऐश पिट क्या होती है, जहाँ पे आपका कोयला क्या होता है बर्न होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, मतलब जहाँ पे राख कलेक्ट होती है तो वो क्या होती है, ऐश पिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोयला आपके पास बर्न हो रहा है और यहाँ पे फायर आ रही है, और ये जो फायर है क्या हो रहा है, ये फायर क्या हो रही है इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो रही है, हॉट गैसेस हो रही है, तो क्या हो रही है इस ट्यूब के अंदर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो इस ट्यूब के अंदर जब ये फायर ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी इसके आसपास में ये जो वाटर है, ठीक है, इसके आसपास में जो भी आपको वाटर दिखाई दे रहा है, ये वाटर क्या होगा, ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, और जब ये वाटर क्या होगा भी इस फायर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो फायर क्या करेगी भी, अपनी हीट किसको दे देगी, इस वाटर को दे देगी, और क्या होगा आपके पास ये जो वाटर है क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये स्टीम में बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपके पास क्या भी स्टीम है, ये आपको स्टीम दिखाई दे रही है। फिर हम क्या करेंगे, इस स्टीम को कलेक्ट कर लेते हैं पाइपिंग के थ्रू, और पाइपिंग कहाँ पे डाल देंगे, आपके पास जो टरबाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास ये टरबाइन में चला जाएगा स्टीम में, और जो आपके पास फायर है ये क्या होगा, चिमनी के थ्रू होते हुए धुआं बन के क्या हो जाती है, उड़ के बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्यूब के अंदर क्या है, फायर है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फायर ट्यूब बॉयलर पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, फायर ट्यूब बॉयलर पड़ गया। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कंबशन गैस पास थ्रू इनसाइड बॉयलर ट्यूब एंड हीट इज ट्रांसफर टू द वाटर ऑन द शेल साइड, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है, बेसिकली तो ध्यान तो बस यही रखना है, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वही पूछता है, ठीक है। ज्यादातर क्या क्वेश्चन पूछता है कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या चीज अंदर रन करती है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे बॉयलर होते हैं, तो फिलहाल देखते हैं, हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो आप देखो भी रिलेटिवली स्मॉल स्टीम कैपेसिटी होती है, मतलब क्या है, ज्यादा स्टीम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूस नहीं कर पाती है एज कम्पेयर टू वाटर वाले से। तो कितनी होती है, 12,000 kg/h, मतलब क्या है कि एक घंटे में 12,000 kg क्या कर रही है, स्टीम को प्रोड्यूस कर पा रही है। उसके बाद आप सकते हो कि लो टू मीडियम स्टीम प्रेशर रहता है यहाँ पे 18 kg/cm² का, ऑपरेट्स विद ऑयल गैस और सॉलिड फ्यूल, मतलब क्या है कि ऑयल से चला सकते हो इसको, गैस से चला सकते हो, या आप चला सकते हो किससे, आप फ्यूल से भी इसको रन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, जो हॉट गैसेस होती हैं वो ट्यूब के अंदर होती हैं और वाटर क्या होता है उसके चारों तरफ होता है। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही आते हैं, तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखो, आप देख सकते हो कोकरेन बॉयलर होता है, ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास लैंकाशायर बॉयलर होता है, और क्या है भी हमारे पास इसका एग्जांपल क्या है, लोकोमोटिव बॉयलर। तो ये सारे के एग्जांपल किसके हैं भी आपके पास, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल हैं। तो अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, जितना पढ़ लोगे ना, जितना देखो मैंने क्यों यहाँ पे इतनी सारी थ्योरी रखी है, वो इसलिए रखी है कि जितना आप इसको पढ़ोगे डिटेल से उतना आपको याद होगा, तो पढ़ने से जितना याद पढ़ोगे उतना क्या रहेगा, याद रहेगा। तो फटाफट पॉइंट को रिवाइज करते हैं, क्या होता है, जो वाटर होता है वो स्टील ट्यूब्स के क्या होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, सराउंड होती है, जिसके अंदर से क्या हो रही है, हॉट गैसेस पास होती है फ्रॉम द फर्नेस फ्लो। तो जो स्टीम होती है वो जनरली कलेक्ट होगी आपके पास उस वाटर लेवल पे, ठीक है, इन अ सिलेंड्रिकल शेप्ड ड्रम में, तो ड्रम में शेप में होती है। अब सेफ्टी वॉल्व आप क्या करोगे, एक सेफ्टी वॉल्व लगाओगे, ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो सके, जो स्टीम है उसका एस्केप हो सके
एट प्रेशर अबव नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर पे, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर पे। और ये डिवाइस क्या है, नेसेसरी है सारे बॉयलर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो हीट एडिशन का, ठीक है, वाटर पे इन अ क्लोज वेसल विदाउट मींस ऑफ स्टीम एस्केप। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टीम आपकी निकलती नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे प्रेशर का राइज हो रहा है और हो सकता है कि आपका बॉयलर फट जाए। तो बॉयलर फटने से रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक सेफ्टी वॉल्व की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि जब प्रेशर राइज हो रहा है तो एक वो सेट वैल्यू होगी प्रेशर की जितना हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि आपका बॉयलर एक्सप्लोड ना करे। तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या है भी, उसकी एडवांटेज होती है क्या कि इसको इंस्टॉल करना और इसको चलाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको इंस्टॉल करना और इसको रन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। दे आर वाइडली यूज इन स्मॉल इंस्टॉलेशन, ये क्या होती है भी, स्मॉल इंस्टॉलेशन पे ज़्यादातर इसको यूज करते हैं, टू हीट बिल्डिंग्स एंड प्रोवाइड पावर फॉर फैक्ट्री प्रोसेसेस एंड इन स्टीम लोकोमोटिव। तो देख सकते हो आप कि हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल इंस्टॉलेशन पे यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, और फैक्ट्री प्रोसेस में पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और स्टीम लोकोमोटिव्स में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मतलब जो पहले जो ट्रेन चलती थी हमारी, जो स्टीम वाली, ठीक है, जो स्टीम वाली जो ट्रेन होती थी, हम वहां पे इसको यूज करते थे। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये आपको दिख रहा है भी, ये आपके पास फर्नेस यूनिट है, ये आपके पास क्या है, फर्नेस यूनिट है, और यहां से क्या है भी, फायर है, और ये फायर क्या हो रही है भी, इन ट्यूब्स के थ्रू पास हो रही है, देख सकते हो। और ये क्या दिख रहा है भी, आपको वाटर दिख रहा है। तो जब ये वाटर कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वाटर कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा भी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, मतलब क्या है, जब वो भाप बन रहा होगा तो क्या होगा, आपके पास इस तरीके से ये जो पाइप हमने लगा दिया है, यहाँ से आप स्टीम कलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना हॉट गैसेस क्या होंगी भी, इस तरीके से इस स्मोक स्टैक से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन ही हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास ये जो पाइप्स हैं, आपने हीट एक्सचेंजर पढ़ा था ना, तो यही तो काम हो रहा है हीट एक्सचेंजर का, कि इस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, आप देख सकते हो जो हीट एनर्जी है, ठीक है, इन गैसेस से वो क्या हो रही है, पासिस हो रही है थ्रू द साइड्स ऑफ द ट्यूब बाई थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, हीटिंग द वाटर एंड अल्टीमेटली क्रिएटिंग अ स्टीम। और क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीम का क्रिएशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो भी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फायर ब्यूट बॉयलर, फायर बॉयलर है, ये भी आप देख सकते हो आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक लोकोमोटिव है, ये एक लोकोमोटिव है, और इसमें क्या है भी, फायर ट्यूब से चलता था। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज पहला एडवांटेज तो यही है कि पहली बात तो क्या है, ये छोटा है, मतलब कॉम्पैक्ट है, कंस्ट्रक्शन में कैसा है आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख सकते हो कि जो यहाँ पे क्या है, स्टीम की फ्लक्चुएशन है, जो डिमांड हो रही है कि आपको इतनी स्टीम चाहिए, तो अगर फ्लक्चुएट होती है स्टीम की डिमांड तो ये इजिली क्या कर देगा, उसको मैट कर देता है। तो बिल्कुल सही है, मतलब क्या है कि जला बना सकता है। उसके बाद देखो क्या है कि सस्ता भी है, क्या है, एज कम्पेयर टू वाटर वाले से क्या है, ये सस्ता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज पहला देखते हैं क्या, कि जो वाटर रिक्वायर्ड होता है इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ज़्यादा अमाउंट की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से यहाँ पे जो टाइम लगेगा उस स्टीम को बनाने में, ठीक है, उस डिजायर प्रेशर पर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पहली डिसएडवांटेज तो यही है आपके पास क्या है, ज़्यादा जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी टाइम लगेगा आपको उसको हीटअप करने में, ताकि वो इसमें कन्वर्ट हो सके, स्टीम में कन्वर्ट हो सके उस पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब वाटर और स्टीम क्या होती हैं, सेम वेसल पे होती हैं, जब सेम वेसल पर होती हैं तो हाई प्रेशर जो स्टीम का है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब अगर सेम वेसल पे आपका वाटर भी है और स्टीम भी है तो क्या हो रहा है, जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएशन होना था वो क्या होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसी सेम वेसल में आपको क्या दिख रहा है भी, यहाँ पे वाटर भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये स्टीम भी दिखाई दे रही है। तो सेम होने की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेशर है जो हमको रिक्वायर्ड था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद देख सकते हो, द स्टीम रिसीव फ्रॉम द फायर ट्यूब बॉयलर इज नॉट वेरी ड्राई, और क्या होती है, ज़्यादा अच्छी ड्राई नहीं होती। मतलब क्या है, यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, जो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन है स्टीम का, वो क्या होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये भी क्या है भी, एक डिसएडवांटेज है किसकी, फायर ट्यूब बॉयलर की। फायर ट्यूब बॉयलर की कहानी खत्म हुई। अब आप आओगे आगे की जरा, आओगे वाटर ट्यूब बॉयलर पे आओगे, तो वाटर ट्यूब बॉयलर पे क्या हो रहा है, अब देखो वाटर और ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है, ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है। तो उसके मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ देखो, ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, तो इसके चारों तरफ क्या होगी, ये इस तरीके से क्या होगी, जो फायर है
ये इसके चारों तरफ क्या होगी, ट्रेवल करेगी, और जिस वजह से क्या होगा, ये जो फायर है इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी, और कंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो फायर है अपनी हीट किसको देगी, जो इस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और जब ये इस वाटर क्या होगा इस ट्यूब से पास होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, इस आउटलेट से कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? और जो फ्यूल गैसेज होंगी वो क्या होंगी, फ्लू यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, वाटर की एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, अभी एंटर करेगा इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारे पास वाटर का सिंपल सा कह सकता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है इसमें, कि इस टाइप के बॉयलर में वाटर क्या हो रहा है, पास हो रहा है किससे, ट्यूब से पास होता है, जबकि जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, शेल साइड पर रहती हैं, जो इन ट्यूब की सरफेस के ऊपर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यूज्ड फॉर हाई स्टीम डिमांड, हाई स्टीम डिमांड में हम इसका यूज करते हैं, और जहाँ पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि जो स्टीम बन रही है और जो वाटर है वो क्या है, आपकी बात डिफरेंट है, अलग अलग है, जिस वजह से क्या है कि हमारे पास जो प्रेशर का क्रिएशन है वो हम ज्यादा रख सकते हैं, और जो स्टीम की डिमांड है हम लोग यहाँ पे ज्यादा यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी 4000 से लगभग हमारे पास क्या है, अभी 1,20,000 केजी पर आवर, मतलब एक घंटे में आप इतनी अमाउंट ऑफ स्टीम को रिड्यूस कर सकते हो, तो मतलब क्या है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, अगर आप यहाँ पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगाते हो तो क्या होगी, एफिशिएंसी भी आपके पास बढ़ जाएगी। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन आप लगा सकते हो। उसके बाद देख सकते हो क्या कि लोअर टॉलरेंस फॉर वाटर क्वालिटी एंड नीड्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टॉलरेंस वगैरह होता है वाटर क्वालिटी का वो काफी कम रहता है, मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे हमें चाहिए होता है ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए होता है। तो देख सकते हो कि वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर क्या होता है, इनसाइड होता है ट्यूब्स के, एंड हॉट गैसेस सराउंड्स देम। तो एग्जांपल क्या है भी, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स, तो बैबकॉक एंड विलकॉक्स, फिर आप देख सकते हो स्टर्लिंग टाइप बॉयलर है, फिर हमारे पास क्या है, येरो बॉयलर है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपके पास आते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं भी, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर कैटेगरी में आते हैं। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में कि वाटर क्या है, इनसाइड ट्यूब से, ठीक है, विद द हॉट फर्नेस गैसेस सर्कुलेटिंग आउटसाइड द ट्यूब, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख सकते हो कि व्हेन द स्टीम टर्बो जनरेटर वाज डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी, मॉडर्न वाटर ट्यूब बॉयलर्स वर डेवलप्ड इन रेस्पॉन्स टू डिमांड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब आपको प्रेशर बहुत ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और टेम्परेचर भी हाई है, तो क्या टिकेगा, उस टाइम पर टिकेगा आपके पास ये जो वाटर ट्यूब वाले बॉयलर हैं, यही टिकने वाले हैं। तो जब डिमांड आपके पास बढ़ गई उस टाइम पे, तो क्या हुआ आपके पास, आपने ये चीज डेवलप करी, ताकि आपके पास क्या है, जो क्या हो रहा है, जो फायर ट्यूब बॉयलर नहीं दे पा रहे थे वो अब कौन दे पा रहे हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर दे पा रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी। फिर आप देख सकते हो जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या होंगी, आउटसाइड द स्टीम ड्रम, स्टीम ड्रम के क्या होती है, बाहर पे होती है। देखो ये ट्यूब कहाँ पे है, ये इधर है, ये क्या है भी, ट्यूब यहाँ पे, और देखो स्टीम ड्रम कहाँ है, ये है। तो स्टीम ड्रम और ट्यूब क्या होती है, दोनों की दोनों क्या होती है, बाहर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नो हीटिंग सरफेस एंड इट्स मच स्मॉलर देन द फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। उसके बाद देखो, तो द ड्रम ऑफ अ वाटर ट्यूब बॉयलर इज बेटर एबल टू विदस्टैंड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके पास ये जो वाटर है, जो ड्रम है वाटर ट्यूब का, वो क्या है कह सकते हैं, यहाँ पे विदस्टैंड कर लेता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर। अ वराइटी ऑफ साइजेस एंड डिजाइंस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर यूज्ड इन शिप्स एंड इंडस्ट्री, तो आप देख सकते हो शिप्स और इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, था एक्सप्रेस बॉयलर, ठीक है, एक्सप्रेस बॉयलर है, इसको डिजाइन किया जाता है विद स्मॉल वाटर ट्यूब फॉर क्विक जनरेशन ऑफ स्टीम, तो क्विक जनरेशन ऑफ स्टीम। थैंक यू एमिलिन, थैंक यू, ठीक है। तो क्विक जनरेशन ऑफ स्टीम यहाँ पे होता है। उसके बाद आप देख सकते हो द फ्लैश बॉयलर में नॉट रिक्वायर्ड अ स्टीम ड्रम, तो स्टीम ड्रम की रिक्वायरमेंट किसमें नहीं होती, फ्लैश बॉयलर में नहीं होती है, बिकॉज द ट्यूब ऑपरेट्स एट सच हाई टेम्परेचर, मतलब जो ट्यूब्स होती हैं वो इस तरीके से हाई टेम्परेचर पर क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं, that so that the feed water flashes into the steam and superheat before leaving the tube, मतलब क्या हो रहा है कि जो आपके पास जो स्टीम है, ठीक है, मतलब जो फीड हो रहा है वो क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और सुपर हीट कर जाता है ट्यूब से निकलने तक।
ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। और कहाँ देख सकते हो भी इसको, आप देख सकते हो जो लार्जेस्ट यूनिट फाउंड करी गई है वो सेंट्रल स्टेशन पावर प्लांट है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि स्टील मिल्स हो गई, पेपर मिल्स हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, और जो भी हमारे पास क्या है अदर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, आप इनको वहाँ पे भी यूज करते हो। तो आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ लेना, आपके पास ये पूरी पीडीएफ रहेगी ये, ठीक है। वैसे एग्जाम के लिए इतना ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बोला है कि मैं आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, चीज़ों को सीखिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर चीज़ क्या होती है ऊपर से पूछ लेता है, क्योंकि लास्ट 2018 का आप अगर पेपर उठाओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, वाटर टाइप है, तो दिस इज आर फर्नेस वेयर दिस फायर इज जनरेटेड, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आर ट्यूब वाटर, जिससे क्या हो रहा है वाटर आपका इन जा रहा है, मतलब वाटर सप्लाई हो रही है, और विद इन दिस ट्यूब, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है आपके पास वाटर क्या हो रहा है, जैसे से ट्रेवल करेगा और जैसे से फायर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर क्या करेगा भी अपनी जो एनर्जी गेन करना शुरू कर देगा इस हॉट की वजह से, और क्या होगा ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, फिर क्या पहुँचेगी ये हमारे टर्बाइन यूनिट में पहुँच जाएगी, और हॉट गैसेस क्या हो जाएंगी इस तरीके से यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है भी वाटर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर की यहाँ पे बात हो रही है। अब जैसे हमने फायर के लिए देखा, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर एंड व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। सबसे फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज ये है कि लार्ज हीटिंग सरफेस कैन बी अचीव बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ वाटर ट्यूब। सीधी सी बात है भी, यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 ट्यूब है, आप यहाँ पे 2 3 ट्यूब और लगा दो, तो जितनी ज्यादा ट्यूब लगाओगे उतनी ज्यादा ट्यूब क्या होंगी कॉन्टेक्ट में आएंगी, और जितनी ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएंगी तो उतने ज्यादा क्या होगी हीट का एक्सचेंज होगा, तो मतलब क्या है उतनी ज्यादा क्या होगी स्टीम आपकी प्रोड्यूस हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि लार्ज हीटिंग सरफेस आप अचीव कर सकते हो बाय नंबर ऑफ वाटर ट्यूब्स। के बाद देख सकते हो ड्यू टू कन्वेक्शनल फ्लो मूवमेंट ऑफ वाटर इज मच फास्टर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स के कंपेयर में जो आपके पास ये जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या तो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा जो हमारे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और आपकी एफिशिएंसी क्या कर जाती है यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है, एफिशिएंसी क्या कर जाती है इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वेरी हाई प्रेशर इन ऑर्डर ऑफ 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब बहुत ही इजली आप क्या कर सकते हो इसको अचीव कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। सबसे फर्स्ट आप देखो, ठीक है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज दैट इट इज कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, सॉरी इट इज नॉट कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन। जैसे फायर ट्यूब बॉयलर क्या था कॉम्पैक्ट था, वो उसकी एडवांटेज थी हम उसको कम स्पेस में यूज कर सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होता कंस्ट्रक्शन में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो इसकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है चीप नहीं होता, दिस इज नॉट अ चीप बॉयलर, चीप टाइप ऑफ बॉयलर। तो मतलब क्या है यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी आपके पास बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो जो साइज है डिफिकल्टी, साइज इज अ डिफिकल्टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। जो उसका साइज होता है वो क्या होता है वो एक क्या है डिफिकल्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो क्या है भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ये भी, तो ये भी हमारे पास क्या है डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो मेन डिफरेंसेस हैं वाटर और फायर ट्यूब बॉयलर में वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहली बात हमारे पास आती है किसकी, यहाँ पे आती है पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस। तो पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस, तो आप देख सकते हो कि अगर फायर ट्यूब बॉयलर है तो हॉट गैसेज क्या होंगी आपके पास ट्यूब्स के अंदर होती हैं, जबकि वाटर क्या होता है आउटसाइड द ट्यूब होता है। अगर आपके पास क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर है तो वाटर क्या होता है ट्यूब के इनसाइड होता है, वाटर क्या होता है ट्यूब के इनसाइड होता है, और जो हॉट गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं ट्यूब के आउटसाइड होती हैं, क्लियर। सेकंड क्या है हमारे पास मोड ऑफ फायरिंग, क्या है भी मोड ऑफ फायरिंग। तो मोड ऑफ फायरिंग ऑपरेटिंग प्रेशर, सॉरी पहले क्या है मोड ऑफ फायरिंग देख लेते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास मोड ऑफ फायरिंग। तो मोड ऑफ फायरिंग क्या है भी आपके पास ये इंटरनली फायर होती है, मतलब जो फायर होती है वो क्या होती है इंटरनली होती है, जबकि आप देख सकते हो वाटर ट्यूब के टाइप पे क्या होती है जो फायर होती है वो आउटसाइड होती है, ठीक है। आपने देखा था कि वाटर अंदर जा रहा है पाइप के थ्रू, तो बाहर से आप क्या कर रहे हो फायर कर रहे हो, तो जनरली क्या होती है हमारे पास जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो एक्सटर्नली फायर्ड होते हैं। थर्ड आप देख सकते हो क्या ऑपरेटिंग प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो फायर ट्यूब बॉयलर में जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो लिमिटेड होता है 16 बार तक, मतलब काफी कम होता है, जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना हो सकता है भी हाई हो सकता है, लगभग 100 बार के आसपास जा सकता है।
फोर्थ पॉइंट क्या है, रेट ऑफ स्टीम कंजम्पशन। तो रेट ऑफ स्टीम कंजम्पशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो फायर ट्यूब बॉयलर के केस में क्या होता है, लो है, कम है, जबकि आप देख सकते हो कि जो तो स्टीम का कंजम्पशन किस में हो रहा है, आपके पास वाटर में ज्यादा हो रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है भी, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि लार्ज प्लांट्स में, लार्ज पावर प्लांट्स में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, तो ये सुटेबल आपका नहीं करता है जबकि वाटर वाला सुटेबल कर जाता है। फिर फिफ्थ देखते हैं, रिस्क ऑफ ऑन बस्टिंग और एक्सप्लोजन, मतलब क्या है कि रिस्क क्या है कि एक्सप्लोजन होने का, तो इन्वॉल्व्स लेसर रिस्क एक्सप्लोजन ड्यू टू प्रेशर, मतलब प्रेशर आप देख रहे हो कि फायर ट्यूब के लिए क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन के चांसेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर है, जबकि आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ज्यादा रिस्क हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर अप टू 100 बार तक जा सकता है, तो आपका बॉयलर बस्ट भी हो सकता है। सिक्स की बात करते हैं, फ्लोर एरिया, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई गिवन पावर है, गिवन पावर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोर एयर की रिक्वायरमेंट होगी, फ्लोर एरिया की जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उसको सेटअप करना है, उस यूनिट को लगाना है, वो क्या चाहिए, फायर के केस में ज्यादा चाहिए, जबकि आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर के केस में कम आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोर एयर की एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सेवेंथ पॉइंट करते हैं भी, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन में, जबकि वाटर ट्यूब क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। एट्थ देखो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो फायर ट्यूब बॉयलर को आप इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि वाटर वाले को कर सकते हैं। नाइन्थ देखो, शेल डायमीटर, शेल डायमीटर क्या होता है भी, लार्ज होगा सेम पावर के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा सेम पावर के लिए। टेंथ देख लिया, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन इसमें लेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं होती है, जबकि यहाँ पे नेसेसरी होती है, ये मैंने आपको बताया था। ट्वेल्थ देखते हैं, एसेसिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट, तो वेरियस पार्ट क्या होती है, आर नॉट सो इजिली एसेसेबल फॉर क्लीनिंग, रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, जबकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है, एसेसेबल होता है। और 13 हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, तो यहाँ पे लेस स्किल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग, जबकि यहाँ पे जो स्किल है वो अच्छी चाहिए होती है, स्किल्स मोर एंड रिक्वायर मोर स्किल एंड केयरफुल अटेंशन। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं भी, अभी हमारे पास है टाइम लगभग, लगभग कुछ और टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि बॉयलर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आज हम लोग यही देख लेते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, बॉयलर शेल, बॉयलर शेल की बात करते हैं, तो आप देख रहे हो ये जो आउटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, बॉयलर शेल है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सारा प्रोसेस आपका हो रहा है, मतलब इसके अंदर ट्यूब्स वगैरह आपको सब कुछ दिखाई देने वाली है। सो द आउटर शेल, द आउटर सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ अ प्रेशर वेसल इज नोन एज बॉयलर शेल। सेकेंड बात क्या है, बर्नर आपको चाहिए, ताकि आपको फ्यूल को बर्न भी तो करना है, तो उसको बोलते हैं बर्नर। तो आ डिवाइस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड एयर इनटू द फर्नेस एट डिजायर्ड वेलोसिटी, मतलब क्या है कि आपको फ्यूल को पहुंचाना है, एयर को पहुंचाना है, ताकि वहां पे कंबशन हो सके उस डिजायर्ड वेलोसिटी पे, तो आपको एक बर्नर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बर्नर इज द प्रिंसिपल डिवाइस फॉर द फायरिंग ऑफ ऑयल और गैस, ठीक है, तो फायरिंग ऑफ ऑयल और गैस की क्या है, कह सकते हैं बर्नर क्या है, एक मेन डिवाइस है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि मड रिंग या फिर मड ड्रम भी होता है हमारे पास, मड रिंग या मड ड्रम भी होता है, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं, ठीक है, कैसे शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकली शेप के होते हैं, ठीक है, और जो होता है जिसमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकली स्पेस होता है। आप देख सकते हो ये हमारे पास स्टीम ड्रम है और ये हमारे पास क्या है, मड ड्रम है, तो क्या है भी आपके पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और शेप स्पेस एट द बॉटम ऑफ द वॉटर स्पेस, और वॉटर स्पेस के नीचे होता है सेडिमेंट्स, मड एंड अदर इंप्योरिटीज यहाँ पे क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या होगी, जो भी यहाँ पे इंप्योरिटीज वगैरह होंगी वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, इस मड ड्रम में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। नाम भी क्या है, मड है, तो मड का मतलब मिट्टी होता है, तो जो भी सेडिमेंट्स है, जो भी मड है और जो भी इंप्योरिटीज है, वो सारी की सारी यहाँ पे गैदर हो जाती है। फिर फर्नेस की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, फर्नेस आती है, तो फर्नेस तो आप लोग जानते हो कि ऐसा एनक्लोज स्पेस, यहाँ पे क्या है, फ्यूल का कंबशन होता है, यहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, फर्नेस बोलते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो जो कंपोनेंट है, वो है भी आपके पास सेफ्टी वॉल, तो सेफ्टी वॉल आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल आपको दिखाई दे रहा है, तो सेफ्टी वॉल क्या है हमारे पास, अ स्प्रिंग लोडेड वॉल दैट ऑटोमेटिकली ओपन्स व्हेन प्रेशर अटेन्स द वॉल सेटिंग, मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो प्रेशर है वो एक लिमिट से क्रॉस कर गया, जो आपने मेंटेन कर रखी है, अगर उस लिमिट से क्रॉस कर जाता है, तो ये जो स्प्रिंग वाला टाइप है वो क्या करेगा, अभी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी स्प्रिंग, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा और जैसे ही मेंटेन हो जाएगा, तो वापस वो स्प्रिंग की तरफ आ जाएगी।
तो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर फ्रॉम बिल्डिंग अप इन द बॉयलर. तो जो एक्सेसिव प्रेशर आपके बॉयलर यूनिट में बन रहा है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है. उसके बाद आप देख सकते हो स्टीम सेपरेटर क्या है हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम सेपरेटर. तो स्टीम सेपरेटर क्या है, नाम में पता लग रहा है कि इट इज अ डिवाइस फॉर रिमूविंग द एंट्रेंड वॉटर फ्रॉम द स्टीम. मतलब वॉटर आपके साथ स्टीम के अंदर ना जाए, तो उस डिवाइस को हमने क्या बोल दिया, स्टीम सेपरेटर. मतलब क्या हो रहा है, जो वॉटर है और जो स्टीम है उनको क्या कर रहा है, ये सेपरेट करने का काम करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है भी आता है स्ट्रेनर. तो स्ट्रेनर आप लोग जानते हो कि गंदगी वगैरह जो होती है उसको साफ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए. सो इट इज अ डिवाइस सच एज फिल्टर टू रिटेन सॉलिड पार्टिकल्स अलाउ लिक्विड टू पास. मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह उनको फिल्टर कर रहा है ताकि आपका सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही पास हो सके. उसके बाद आप देख सकते हो आपके पास क्या है, साइड ग्लास है. क्या है भी साइड ग्लास है, तो एक ऐसा ग्लास होता है, एक ऐसी ग्लास ट्यूब होती है जो क्या होती है स्टीम बॉयलर में यूज करते हैं ताकि आपको बॉयलर का वाटर लेवल का इंडिकेशन आपको दिखाई दे. तो देख लो इस तरीके से, तो ये आपको दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा है कि वाटर का लेवल क्या है, ठीक है, वाटर का लेवल क्या है बॉयलर के अंदर. तो ये क्या है कि आप साइड रख, साइड का मतलब क्या है, देखना, देखना ही तो होता है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि कितना लेवल है यहाँ पे बॉयलर में वाटर लेवल का. नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास ड्रेन. ड्रेन आता है, तो ड्रेन क्या है हमारे पास, एक ऐसा वॉल्व कनेक्शन होता है जो लोएस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है, जो क्या है कि वाटर को रिमूव करने के लिए काम आता है. वाटर को रिमूव, ड्रेन का मतलब क्या होता है, जो नाला होता है ना, नाले को क्या बोलते हो आप, ड्रेन ही तो बोलते हो. तो क्या होता है, जो भी गंदगी होती है पानी के थ्रू क्या होती है, फ्लो कर जाती है. उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आपके पास ये ड्रेन है. ड्रेन यूनिट में क्या हो रहा है, आपके पास सबसे नीचे लगा होगा, पहली बार सबसे नीचे लगा होगा, और क्या करेगा, जो भी वाटर प्रेजेंट है बॉयलर में उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेन का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीड पंप है. तो फीड पंप क्या है भी, सिंपल हमारे पास सिंपल पंप होते हैं जो क्या करते हैं, आपको एक तरीके से जो वाटर है वो क्या करेंगे, पंप करने का काम करते हैं, मतलब ऊपर बचाने का काम करते हैं. फिर आप देख सकते हो आपके पास क्या होती है, ऐश पिट होती है. तो ऐश पिट का काम क्या है, ऐश पिट का काम है कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी एशेज बन रही है, जो भी एशेज बन रही है उसको इकट्ठा करेगी, उसकी इकट्ठा करती है अंडर द फायर. द एशेज फॉल थ्रू द फायर ग्रेट इनटू और ओपन अ रिमूवल बॉक्स. मतलब क्या होगी, जो ये राख बनती है, राख होती है ना, तो राख क्या हो रही है, पिट का मतलब गड्ढा, तो एक ऐसा गड्ढा जहाँ पे क्या हो रही है, आपकी राख कलेक्ट हो रही है, सिंपल, ठीक है. तो ये क्या होती है आपके पास, ये जो फायर ग्रेट, जो एशेस फॉल होती है किससे, जो फायर ग्रेट से फॉल होती है, वो क्या है एक तरीके से इस बॉक्स के अंदर गिर जाती है और इसको आप रिमूव कर सकते हो. ग्रेट आप देख सकते हो, ग्रेट क्या है भी, हमारे पास सीरीज ऑफ बार्स होती है, तो आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रही होंगी. तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बार्स इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारी बार्स होती हैं, ठीक है, किस किस की, नैरो प्लेट्स हो सकती हैं जो बॉटम में होती हैं किसके, फायर बॉक्स के. तो जो एशेस होती हैं वो क्या होती हैं, इस ग्रेट से पास होती हैं इनटू द एश, ठीक है, इस ग्रेट से क्या होती हैं, एशेस पास होती है. तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेट कहलाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है प्रेशर गेज. तो प्रेशर गेज क्या है हमारे पास, प्रेशर बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि स्टीम का प्रेशर क्या है बॉयलर के अंदर. फिर फ्यूजेबल प्लग आता है. फ्यूजेबल प्लग क्या होता है, ऐसा प्लग होता है जो एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है. क्या करता है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है जब डेंजरस टेम्परेचर क्या होता है, रीच कर जाता है, ठीक है, व्हेन डेंजरस टेम्परेचर रेदर देन आर डेंजरस प्रेशर आर रीच इन द क्लोज वेसल. मतलब क्या है कि फ्यूजेबल प्लग कब काम करेगा, जब आपके पास क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगी, एक लिमिट को एक्सीड कर जाए, लिमिट को एक्सीड कर जाए. ये प्रेशर के बारे में यूज नहीं होता, ये प्रेशर के लिए नहीं बल्कि हमारे पास टेम्परेचर के लिए देखा जाता है. तो ये क्या है हमारे पास, फ्यूजेबल प्लग इसको बोलते हैं. नेक्स्ट जो आता है भी फीड चेक वॉल्व. नेक्स्ट जो आता है फीड चेक वॉल्व. तो देख रहे हो ना, चेक वॉल्व लगे होते हैं. आप देखोगे कि आपके घर के ऊपर, आप देखोगे जहाँ पे आपकी मेन मोटर की सप्लाई है, मतलब जहाँ से मोटर पानी भर रही है टंकी को, तो उस टंकी के नीचे आप देखोगे कि वहाँ पे क्या लगे होते हैं, इस साइड इस तरीके से वॉल्व लगे होते हैं. तो ये वॉल्व क्या है, ये वॉल्व क्या है आपके पास, उसको बंद करने के लिए, खोलने के लिए, वही तो है. तो यहाँ पे क्या है, फीड चेक वॉल्व, फीड चेक वॉल्व है. तो जो हाई प्रेशर फीड वाटर होगा वो क्या होगा, सप्लाइड होता है किससे, टू द बॉयलर थ्रू दिस वॉल्व. तो जो हाई प्रेशर होगा वो फीड वाटर से सप्लाई होगा बॉयलर से इस वॉल्व के थ्रू. और ये वॉल्व क्या होगा भी, ओपन रहता है जब आपके पास क्या होता है, मतलब बॉयलर की तरफ क्या रहेगा, ओपन रहेगा और फीड द वॉटर टू द बॉयलर. और वॉटर क्या करेगा, बॉयलर को फीड करेगा. मतलब नाम में क्या लिखा है, फीड चेक वॉल्व क्या करेगा, वॉटर को फीड करता है इसमें बॉयलर में. फिर आप देख सकते हो स्टीम स्टॉप वॉल्व. तो स्टीम स्टॉप वॉल्व का काम क्या है, रेगुलेट करेगा जो भी हमारे पास जो स्टीम हो रही है आउटसाइड, उसको सप्लाई करने के लिए क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्टीम स्टॉप वॉल्व करता है.
तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से बॉयलर के, कंपोनेंट्स कौन कौन से बॉयलर से हो सकते हैं। बॉयलर शेल हो सकता है, कंबशन चैम्बर हो सकता है, फर्नेस है, ग्रेट है, हीटिंग सरफेस है, माउंटिंग है, एसेसरीज है, जिसमें आपके एग्जाम में क्या है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए माउंटिंग आपसे सीधा नाम पूछता है, एसेसरीज का आपसे सीधा नाम पूछता है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो माउंटिंग की बात करते हैं कि कौन कौन सी माउंटिंग होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एसएससी जेई ने इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, चांसेस है बन सकता है। तो देख सकते हो कि प्रेशर गेज आपके पास एक माउंटिंग है, ठीक है, माउंटिंग है। फिर आप देख सकते हो वाटर लेवल इंडिकेटर, मतलब माउंटिंग कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो रही है, भी एक तरीके से सेफ्टी डिवाइसेज हैं, क्या हो रही है, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइसेज हैं जो यूज़ होती हैं बॉयलर में। पहले क्या है प्रेशर गेज, दूसरा क्या है वाटर लेवल इंडिकेटर, उसके बाद आप देख सकते हो सेफ्टी वॉल्व है, कौन सा है सेफ्टी वॉल्व है, फिर आप देख सकते हो फिजिबल प्लग है, क्या है फिजिबल प्लग है, फिर आप देख सकते हो ग्लो ऑफ कॉक, फिर आप देखोगे स्टीम स्टॉप वॉल्व, फिर आप देखोगे फीड चेक वॉल्व। ये सारे के सारे क्या है आपके पास बॉयलर माउंटिंग्स हैं, क्या होती है सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद क्या है बॉयलर एसेसरीज, एसेसरीज क्या होती हैं जो साथ में आती है सप्लीमेंट में, जैसे फोन होता है ना, तो आप करते हो फोन ऑर्डर, लेकिन साथ में क्या क्या मिलता है, क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं आपको, ईयरफोन मिलते हैं आपको, क्या मिलता है चार्जर मिलता है, ठीक है, आपको सिम निकालने के लिए वो पिन मिलती है। तो ये सारी की सारी क्या है एसेसरीज है, ताकि क्या हो सके उस बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एसेसरीज क्या होती है एक तरीके से हमारे पास जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए होती है, ठीक है, तो यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ठीक है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बॉयलर एसेसरीज का यूज करते हैं, कौन कौन सी होती है, एयर प्रीहीटर, क्या है हमारे पास जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हो रही हैं उसको यूज करती है और क्या होती है एयर को पहले से थोड़ा सा हीट कर लेती है, तो उसको बोलते हैं एयर प्रीहीटर, जैसे हम लोगों ने देखा था रीजनरेशन के केस में। दूसरा क्या है इकोनोमाइजर, दूसरा क्या होता है इकोनोमाइजर, तो क्या होता है यहाँ पे जो हीट होती है वो यूज होती है कि टेम्परेचर आपका बढ़ जाए, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर सप्लाइड टू द इकोनोमाइजर हो गया। थर्ड क्या है स्टीम सुपर हीटर, स्टीम सुपर हीटर क्या है हमारे पास, ये यूज होता है सुपर हीट करने के लिए, स्टीम को सुपर हीट करने सुपर फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या है आपके पास ये है स्टीम सुपर हीटर है। फिर आप देख सकते हो फीड पंप है, तो फीड पंप का काम क्या है प्रेशर को क्या करना है बढ़ाना होता है ताकि वो बॉयलर के अंदर जा सके। फिर देख सकते हो आपके पास इंजेक्टर है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि आपके पास फीड वाटर बॉयलर के अंदर पहुँचा सके, इंजेक्ट कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, यहीं तक हम आज की क्लास रखते हैं। तो हम लोग मिलेंगे आप शाम को, तो शाम को मिलते हैं 4 बजे, और शाम को क्या होगा आपका यही बॉयलर कंटिन्यू होगा, ठीक है, बॉयलर ही आपका कंटिन्यू होगा। तो जब तक आपका बॉयलर खत्म नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, तो इसलिए हम पहले बॉयलर को कंप्लीट करेंगे, मतलब कल तक आपका पूरा बॉयलर खत्म हो जाएगा, कोशिश करूंगा कि शाम को खत्म कर दूं, ठीक है। तो जैसा भी होगा तो हम लोग मिलते हैं भी शाम को 4 बजे। बाकी अगर आप लोगों को भी एसएससी जेई का एग्जाम देना है तो किसी बात आपको देना ही होगा, तो 2 बजे, ठीक है, दिन के 2 बजे क्या होती है रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप चाहो तो रीजनिंग की क्लास अटेंड कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए बुला रहा हूँ आपको, चीज़ें मुझे पता है आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है और आप 50 में से 50 स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है, अगर 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हम वाकई में 50 में से 50 क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ठीक है। तो 100 तो नंबर टेक्निकल का होता है, तो मैं कहता हूँ कि 90+ की गारंटी मैं यहाँ से लेता हूँ टेक्निकल के लिए, और बाकी 50 में से, ठीक है, 47+ मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एसएससी जेई में बन जाएंगे, हो सकता है ये नंबर आपका 50 तक भी पहुँच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी में मतलब जेई में आपको 50 में से 50 आउट ऑफ 50 लेके आना, रीजनिंग में ला सकते हो, ठीक है। बाकी आपको मैं अगस्त में क्या होगा, अभी हमारे पास आपका पेपर है सेप्टेम्बर में, तो अगस्त से सेप्टेम्बर के बीच में मतलब 1 मंथ में, तो 1 मंथ में मैं आपको पूरी जीएस खत्म कराऊंगा, पूरी जीएस का क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, पूरी जीएस का क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, ताकि आपको क्या हो सके भी हेल्प हो सके, ताकि आप उस 50 में से कम 25 से 30 नंबर तो ऑप्टेन कर सको, ठीक है, 25 से 30 नंबर तो कम से कम ले ही आओ 50 में से, ताकि आपका जो टोटल ओवरऑल स्कोर हो, ओवरऑल स्कोर मैंने बोला है कि आपको 170+ का टारगेट रखना पड़ेगा अगर आपको बाकी में फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, मैं बात किसी कर रहा हूँ फाइनल जो मेरिट बनेगी जिसमें सिलेक्शन होगा, अगर 170+ आपका प्री में आता है तो आपका चांसेस है कि बन जाए, ठीक है, वैकेंसीज आपको पता है ज़्यादा नहीं होती, तो चलो मिलते हैं अभी 4 बजे मिलते हैं, ठीक है, 4 बजे मिलते हैं, और अगर आप 2 जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 बजे रोज क्लास हमारी।
ठीक है, तो चलो, थैंक यू।